हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति शासन पे चर्चा करने चल रहा हूँ। अभी तक मैंने राष्ट्रीय आपातकाल को बता दिया था आपको, नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल 352 के तहत जो है उसको मैंने आपको बढ़िया से बता दिया था। अब मैं बातें करने चल रहा हूँ राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है और इससे क्या क्या होने वाला है, इन सब बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। यह एक आपातकाल है जो राज्य पे लगाया जाता है, इसे राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 355 जो है वो केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि वो राज्य सरकार को संविधान के अनुसार ही कार्य करने के लिए विवश करे, राज्यों को संविधान के अनुसार ही विवश करे। अगर इनका उल्लंघन हुआ राज्य में संविधान तंत्र विफल हो जाने पर आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ना कि आपातकाल तीन प्रकार के हैं, मैंने बताया था आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था ना। एक है 352 के तहत जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, एक है 356 के तहत जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक आएगा भी 360 के तहत जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहेंगे। अभी इसके बाद की बातें वित्तीय आपातकाल में होगी, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन भी एक आपातकाल है। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। कह रहे हैं कि उद्घोषणा कौन करता है इसकी? उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति। कौन करता है उद्घोषणा? राष्ट्रपति करता है। कब करता है? राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर। राज्यपाल लिखित रूप से सिफारिश देगा कि राष्ट्रपति महोदय, इस राज्य में, फला राज्य में, हमारे राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें और राष्ट्रपति शासन लगाए। ये लिखित रूप से होना चाहिए, तभी राज्यपाल की लिखित होने पे ही राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो इसकी संसदीय अनुमोदन भी होना पड़ेगा। संसदीय अनुमोदन यानी संसद से इसका अनुमोदन भी चाहिए होता है। संसद इसका अनुमोदन करेगी, अनुमोदन मतलब इसकी सहमत देगी, जिसका काम है संसद का काम जो है वो करेगी। तो वो कैसे होगा? तो 2 माह के भीतर दोनों सदनों से इसके पारित होने की आवश्यक है, इसको अनुमोदित होना आवश्यक है। कितने दिनों का? 2 माह का। याद रखिएगा कितने दिन की बात हो रही है? 2 माह की बात हो रही है। भीतर दोनों सदनों से इसको पारित हो जाना चाहिए। बात आती है, देखिए अगर मैं इसकी आगे की बातें करूं, राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक घोषणा जो है वो कैसे होगी? सामान्य बहुमत से होगी। कौन से बहुमत से होगी? सामान्य बहुमत से होगी। अब बहुमत क्या होते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ, उसको जाके देख लीजिए, वहां पे आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा चीज देख लीजिए, या लेटेस्ट सेकंड लास्ट वीडियो है बहुमत का। ये सामान्य बहुमत क्या होता है? 50% + 1, यानी जितने उपस्थित और मतदान, कुल मतदान का 50% से एक अधिक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को 2 माह के अंदर दोनों सदनों से सहमत की आवश्यकता है और इस घोषणा को सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। देखिए अगर एक सवाल जो आता है, आईएएस पूछता है, कई साल से मैं देख रहा हूँ आईएएस पूछ रहा है कि अगर मान लो लोकसभा नहीं चल रहा हो या लोकसभा का विघटन हो गया हो और राष्ट्रपति शासन लग गया हो, तो राष्ट्रपति शासन का ये अनुमोदन 2 माह के भीतर कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा का विघटन हुआ है तो राज्यसभा से पहले तो इसको पारित हो जाना चाहिए, राज्यसभा से पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, हर चीज के लिए हो जाना चाहिए, प्लस लोकसभा की पहली बैठक, क्या पहली बैठक, ध्यान दीजिएगा जो लिख रहा हो उसको ध्यान दीजिएगा, पहली बैठक के 1 माह के भीतर, कितने दिन के भीतर? 1 माह के भीतर इसको अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से, के नहीं, उद्घोषणा से लिखना चाहिए था,
उद्घोषणा से 6 माह तक ही बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? 6 माह तक बना रहेगा। 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी होती है और इसको 6 मंथ के बाद संसद जो है यानी पार्लियामेंट अनुमोदन करके क्या कर सकती है? 6 माह तक बढ़ा सकती है। ठीक है, 6 माह तक बढ़ा सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन लेकिन अधिकतम 3 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकता है। कितने दिनों तक? अधिकतम 3 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की बातें करते हैं। अब आगे की जो बातें हैं, देखिए 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 6 माह के बाद केवल चुनाव आयोग के कहने पर ही राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि इस राज्य में फला राज्य में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, चुनाव नहीं कराया जा सकता। अगर चुनाव आयोग कह रही है जा सकता, तो संसदीय अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन को 6 माह से अधिक बढ़ाया जा सकता है, 6 माह के बाद बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे की बातें करें, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति किसी परिवर्ती घोषणा, देखिए परिवर्ती घोषणा के साथ खत्म कर सकता है। इसके लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी सामान्य घोषणा से राष्ट्रपति कौन? प्रेसिडेंट इसको खत्म कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या है, कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या राज्य की स्थिति क्या हो जाती है, केंद्र क्या हो जाता है, या और चीजें क्या हो जाती हैं, राज्य विधान सभाएं क्या हो जाती हैं, विधानसभा का क्या हो जाता है, विधान परिषद की क्या हो जाती है। तो आपको पहले ही मैं बता दूं कि आपातकाल चाहे जो भी हो, जो लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, आपातकाल किसी भी आपातकाल से केंद्र को सर्वशक्तिमान बन जाता है। लिख रहे हो, ठीक है, जब भी आपातकाल लगेगा तो केंद्र जो होता है सर्वशक्तिमान बन जाता है, वही शक्ति शक्ति शक्तिमान वाला हो जाता है। ठीक है, ये बात मेरी हमेशा गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, आप इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं कि क्या है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति राज्य सरकार, यहां पे सरकार लिखना चाहिए था, लिख दे रहा हूं सरकार। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथों में ले सकता है। सारे कार्य राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट सारे राज्य के सारे अधिकार को ले सकता है, कोई भी अधिकार नहीं, सब ले सकता है। उसे राज्यपाल या अन्य अधिकारी की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, उसे राज्यपाल कहूं या विधायिका की शक्ति, राज्य विधायिका की शक्ति सभी किसके अंदर निहित हो जाती? प्रेसिडेंट के अंदर। अब ये प्रेसिडेंट चाहे तो किसी खुद इसको संभाले या किसी अधिकारी को नियुक्त कर दे या राज्यपाल को नियुक्त कर दे। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात कह रहे हैं कि संसद राज्य विधायिका के सारे, यहाँ पे सारे कार्य अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, जो अभी अभी रिपीट किया, सारे कार्य अपने हाथों में ले लेती है। कौन? संसद। यानी अब संसद क्या कर सकती है? देखिए, संसद राष्ट्रपति सीएम को बर्खास्त कर देगा, संसद राज्य के बजट को प्रस्तुत कर देगा। क्या कर देगा? राज्य के बजट को प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है कानून बना सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संसद अब सारे कार्य लेगी, बजट बना सकती है, कानून बना सकती है और कानून रद्द कर सकती है। ठीक है, उधर राष्ट्रपति जो होता है, मुख्यमंत्री यहां लिख रहा हूं, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को रद्द कर देता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। क्या कर देता है? बर्खास्त कर देता है।
ध्यान रखिएगा, संसद राज्य विधानमंडल के बजट प्रस्तुत करेगी, कानून बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब आती है कि न्यायिक समीक्षा की बातें करने चल रहा हूं मैं, कि न्यायिक समीक्षा क्या होगा। पहले इसकी बातें हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की बात, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, आपातकाल लगाने के बाद जो सरकारें थी और जो जनता थी, जनता को बहुत दिक्कत हुई, जनता को दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारी चीजों का अतिक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत सारे नियम आते, उसी में एक 44वां संविधान संशोधन आएगा 1978। इसने ये बात कही कि जो आपातकाल है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, न्यायिक पुनरालेख कर सकता हूं, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इसको बुम्बई मामला 1994 में इसको सही ठहराएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको एकदम संवैधानिक ठहराएगा, क्या होता है देखिए, अब बातें करते हैं। चलिए बात हो रही है 38वें संविधान संशोधन 1975 में, क्या हुआ 38वें संविधान संशोधन 1975 में, इसको न्यायिक समीक्षा के परे रखा गया कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति शासन ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब आएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, जैसा कि मैंने कहानी आपको सुनाई, वो कहेगा न्यायिक समीक्षा हो सकती है और इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही अब क्या करेगा आगे, इसी चीज को बुम्बई मामले में 1994, यहाँ पे 1994 लिखा है, 1994 में बुम्बई मामले में इसको संवैधानिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक मान्यता दे दिया। कुल मिला के आप एक चीज जानिए कि न्यायिक समीक्षा जो होता है वो संविधान की मूल ढांचे से संबंधित है, संविधान के मूल ढांचे को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, किसी भी चीज की संवैधानिक न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसको हमेशा गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अभी एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा, चलिए आपको मैं एक बात और रिटर्न लेके चल रहा हूं, एक मिनट, एक चीज और था, हाँ ये वाली बातें, ये जो है 44वें संविधान संशोधन, इसकी बातें मैं करना भूल गया, 1978, ये पहले नहीं था, मूल रूप से 6 माह बढ़ाने के लिए चुनाव हो गया, किसी की संतुष्टि नहीं चाहिए थी, किसी की सहमति नहीं चाहिए होती थी, लेकिन 1978 में इस पे थोड़ा सा रोक टोक लगाई गई, मैं लिख रहा हूँ रोक टोक लगाई गई, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद देखिए हर चीज की मेहनत होती है, और शेयर भी किया करिए, क्योंकि देखिए सभी के साथ पहुंचे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी के साथ अब लेता हूँ इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।